हाय गाइस, मैं हूँ शमाली। स्वागत है आपका मिस ट्रेनिंगर चैनल पर। सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए मिस ट्रेनिंगर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, सबसे ज्यादा धन देने योग्य स्मार्टफोन रूमर्स ऑफ 2019 जो प्रेडिक्स करता है कि रिटर्न होने वाला है मोस्ट आइकनिक मोबाइल डिवाइसेस एवर, और वो है द मोटोरोला रेजर फ्लिप फोन। तो आज मैं बात करूंगी नया मोटोरोला रेजर 2019 कंसेप्ट का, जो एक फोल्डेबल फोन है। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये नया कंसेप्ट डिजाइन खिंचता है थ्रोबैक डिवाइस जैसे कि परफेक्ट मिशन है पुराना और नए का। मोटोरोला से अपडेटेड फ्लिप फोन द लेजेंडरी रेजर सीरीज आ रहा है 2019 में। बट ऐसा क्या फीचर्स होगा जिसे सक्सेस के बाहर भी स्ट्रॉन्ग ब्रांड का सम्मान एंड एक नया फोल्डेबल टेक्नोलॉजी कहलाएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मिस ट्रेनिंगर चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नए नए वीडियोस आप तक पहुंचे। दोस्तों, ऐसा फीचर्स है जो कम्पीट करेगा अगेंस्ट अदर फोल्डेबल फोन्स जो इस साल आ रहे हैं। उनमें से सैमसंग गैलेक्सी 10 डिवाइस को मोटो रेजर बीट करता है हेड टू हेड में, और धीरे धीरे जो फोल्डेबल फोन के 2-3 स्क्रीन डिवाइसेस के लिए जो लीक्स आ रहे हैं तो उसमें से ये पता चला सैमसंग गैलेक्सी 10 डिवाइस के 3 डिस्प्लेस हैं एंड अदर बुक शिफ्ट हैंडसेट्स होंगे। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ओलेड स्क्रीन पे ज्यादा बैटरी पावर लगता है और स्पेशली जब मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसलिए गैलेक्सी 10 में 2 लार्ज बैटरीज है और यही मोटोरोला रेजर फ्लिप फोन में अवॉइड किया गया ताकि मिनिमली शेप में डिवाइस एक बेटर ऑप्शन में उभर के आए। हाउएवर, बजाय फ्लिप से खुलने के बाद डिस्प्ले को आपको पुराना कीबोर्ड दिखेगा, बल्कि डिवाइस ओपन होने के बाद फुल टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलेगा एंड डिवाइस एस्पेक्ट रेशियो 19:8, साथ में कर्व्ड एजेस एंड नॉच भी। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे मुझे और इनकरेज मिलेगा। और हाँ, मोटोरोला ने फोकस तो किया है नॉस्टैल्जिया को पूरा करते हुए कटिंग एज टेक कथा को, बट बाकी इम्पोर्टेंट स्टफ को पीछे छोड़ दिया, जैसे कि कैमरा। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से स्मार्टफोन्स के डिजाइन एंड स्पेक्स उतना ज्यादा मैटर नहीं करता जितना कि कैमरा फीचर्स। इम्प्रूव्ड लेंसेज, मोर लेंसेज, एयर पावर्ड बाय डेडिकेटेड चिप, जिसका रिजल्ट है एक्सीलेंट स्मार्टफोन फोटोग्राफी। बट मोटोरोला ने सिंगल लेंस कैमरा यूज किया है फोन के अपर हाफ पर, और 2 स्क्रीन्स के वजह से आप कैमरा फ्रंट एंड बैकवर्ड फेसिंग में शूट कर सकते हैं एंड डिवाइस सपोर्ट्स फिंगरप्रिंट सेंसर जो माउंट किया हुआ है लोअर हाफ पर एंड पावर बटन, साथ ही साथ वॉल्यूम बटन की कमी है जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड रिपोर्ट्स के मुताबिक हैंडसेट का प्राइस होगा अराउंड $1500। तो दोस्तों, मेरे ओपिनियन में 2019 रेजर फोन बनाया गया वही फिलोसॉफी की स्लिम प्रोफाइल बनाए रखने के लिए एंड इंट्रोड्यूसिंग नया फ्यूचरिस्टिक टेक उसके साथ फ्लेक्सिबल डिस्प्ले भी। एंड मोटोरोला रेजर 2019 इस साल का मोस्ट अवेटेड फोन होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए मिस ट्रेनिंगर चैनल के साथ बने रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, आप सबको वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स भी करें ताकि मैं आप सबके लिए और भी बेहतरीन वीडियो बना सकूं। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मैं शमाली मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।